जब आप देखते हैं अपने माशरे में सोसाइटी में तो उनको किस तरह टेकअप किया गया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है तो कराची में ये चीज मिसिंग है लाहौर माशाल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरेटिव बहुत बेटर है प्लस वेदर पसंद है मुझे लाहौर का और फिर लाहौर लाहौर है आ, लौर, लौर तो ये है कि हमारे लिए अच्छा भी रहा वो एम वेरी हैप्पी मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं कराची से तो उनसे जब भी बात होती है ना वो एक चीज का जरूर जिक्र करते हैं हैं कहते यार आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है तो आई बीन टू कराची मल्टीपल टाइम्स तो मैंने आ, बोला उनको मैंने कहा यार मुझे तो आपकी सड़कें वड़के सही लग रही हैं शारे फैसल वगैरह पे गए तो वो हंस के बोलते कहते हैं डू यू रियली वॉन्ट टू सी द रियल कराची मैं कहा यार हाँ मैं देखना हाँ, चाहता हूँ बट वो कहते हैं बारिशों में चले जाए आप नहीं तो के भी जो वैसे भी मुनीर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ रोड और बाकी ना चीज़ें ना। नहीं है आ, मतलब आ, बहुत सारी चीज़ें आती है ना उसके अंडर कराची निगलेक्टेड है आई थिंक बहुत सारी मैनेजमेंट्स हैं उसको देखने के लिए तो कोई एक भी अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं कर रहा एंड बिलीव यू मी हमारी इकोनॉमी में कराची कितना ग्रेट रोल प्ले करता है और कराची इस कंपैरेटिव टू दुबई ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप ठीक कर दें ऐसा मल्टीकल्चरल कराची जैसा कोई शहर नहीं अच्छा आई कंसीडर कराची एज अ बैकबोन ऑफ द कंट्री क्योंकि देखें आपकी हर चीज वहीं से ड्राइव हो रही है मैं ये कहता हूं कि इतने हालात वर्स्ट होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह देखें आ, सारा कुछ ठीक है अच्छा अगर थोड़ी बेहतर कर लें आ, तो दुबई को तो भूल जाएंगे बॉम्बे को भूल जाएंगे दो जगहों का किया जाता है ना कंपैरिजन बिल्कुल ऐसे ही और आप यकीन जानिए कि अगर अगर हम ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या अगर मैं एज अ प्रोफेशनल बात करूं सो कराची का बायर इज सो अमेजिंग दे आर वेरी दे आर वेरी कॉन्सेंट्रेटेड किस्म का डिसीजन मेकिंग होता है उनका एंड दे आर वेरी

कि कराची भी बेहतर होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे जितना ड्रेनेज का सिस्टम अच्छा है कि बारिशें होती हैं बहुत होती हैं है। बट हमें इतने हैजल्स नहीं होते जितना कराची को लोगों को मुसीबत उठानी पड़ती है तो वहाँ पे फिर दुख होता है कि मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ होना चाहिए कराची